Hello, my dear students. A very good afternoon to all of you. I hope you all are fit and fine at home. Dear students, we know that due to corona pandemic, our country is struggling with schools, teachers, and lack of education. So our school has started online classes to continue your study. And now it is easy to make connection with you all, and this will help us to cover the syllabus and to maintain the flow of study. I hope you all will take advantage of this opportunity and study well. Dear students, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारी कंट्री COVID-19 पेंडेमिक से सफ़र कर रही है और जिसके वजह से हमारी स्टडीज़ का भी बहुत लॉस हो गया है, और उसी को कवर अप करने के लिए, सिलेबस कवर करने के लिए और आपकी स्टडीज़ को कंटिन्यू करने के लिए हमारे स्कूल से ऑनलाइन क्लासेस अरेंज की गई हैं। आई होप कि आप सभी इस अपॉर्चुनिटी का एडवांटेज लेंगे, बेनिफिट लेंगे और अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करेंगे। एंड दिस इज़ द फर्स्ट डे ऑफ आवर ऑनलाइन क्लास, सो आई रिकमेंड टू माई स्टूडेंट्स बिफोर रीडिंग अवर बुक दैट यू शुड प्रैक्टिस द इंग्लिश राइटिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स विद स्मॉल एंड ईजी टॉपिक्स ऑफ योर इंटरेस्ट। काफ़ी दिन हो गए आप लोगों ने घर पर पढ़ाई नहीं की होगी, और आप लोगों की इंग्लिश राइटिंग और स्पीकिंग स्किल्स इम्प्रूव हो सके इसलिए आप लोग घर पर प्रैक्टिस कीजिएगा। ज़्यादा बड़े नहीं, छोटे छोटे टॉपिक्स जो आपके इंटरेस्ट के हैं उन टॉपिक से आप अपनी राइटिंग इम्प्रूव करिए घर पर। डेली 1 पेज हैंड राइटिंग कीजिए और रीडिंग स्किल्स पर ध्यान दीजिएगा। एंड नाउ वी आर गोइंग टू लर्न समथिंग न्यू टुडे, आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं। And now we are going to study chapter 1 of NCERT class 5th EVS super senses. आज हम पढ़ेंगे chapter 1 class 5th EVS का, जिसका नाम है super senses. So before starting, first of all we all should know or understand what are sense organs. Sense organs क्या होते हैं? आप लोगों ने अपनी previous classes में read किया होगा कि sense organ ऐसे special organs या ऐसी special ability जो living organisms में पाई जाती है, जो जीव जंतुओं में पाई जाती है, जिसके कारण हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, smell कर सकते हैं, taste कर सकते हैं और touch या feel कर सकते हैं, जो कि 5 types के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? Eyes, ears, nose, tongue, skin. Ears help us to hear. कानों के कारण हम सुन सकते हैं। Eyes help us to see. आँखों के कारण हम देख सकते हैं। And nose helps us to smell. नाक के कारण हम किसी चीज़ को smell कर सकते हैं। And tongue helps us to taste. और tongue से हम क्या कर सकते हैं? हमारी जीभ से हम, जो हमारी मम्मा टेस्टी टेस्टी फूड बनाती है, हम उसे टेस्ट कर सकते हैं। और स्किन हेल्प अस टू टच और फील, और स्किन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? टच या फील, महसूस कर सकते हैं। हमने जो सेंस ऑर्गन्स के बारे में रीड किया है, हमने पढ़ा है कि ह्यूमन बींग्स के अंदर सेंस ऑर्गन्स होते हैं, पर ह्यूमन बींग्स के अलावा भी कई लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के पास सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि एनिमल्स, बर्ड्स एट्सेट्रा, और उनके सेंस ऑर्गन्स हमसे बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, सुपर स्ट्रांग होते हैं। उनके पास बहुत सुपर स्ट्रांग पावर होती है कि वो हमसे ज़्यादा तेज़ी से स्मेल, हेयर, सी, टेस्ट, टच और फील कर सकते हैं। तो हम चैप्टर को रीड करना स्टार्ट करते हैं। सो लेट स्टार्ट रीडिंग अवर बुक। हैज़ दिस एवर हैपन टू यू, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप, यू वर ईटिंग इन द प्ले ग्राउंड एंड ईगल फ्लू डाउन एंड टुक अवे योर रोटी, कि आप किसी प्ले ग्राउंड में बैठकर अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ खा रहे हैं और कोई बर्ड जैसे कि ईगल या कोई अदर बर्ड आती है नीचे और आपकी रोटी आपसे छीनकर ले जाती है। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? हुआ है तो आप ज़रूर बताइएगा। और सेकंड दिया है क्या? एज़ यू वॉकड सॉफ्टली पास अ स्लीपिंग डॉग इट्स ईयर्स शॉट अप एट वंस, कि आप किसी डॉग के पास से, किसी कुत्ते के पास से बहुत ही धीमे आवाज़ करके निकलते हैं, लेकिन फिर भी आप देखते हैं कि वो जो डॉग है वो उठ जाता है या उसकी नींद लगी हुई है, वो अपनी नींद से जाग जाता है क्योंकि उसे बहुत कम साउंड भी सुनाई दे सकता है।
नेक्स्ट दिया है आपको एग्जाम्पल, यू ड्रॉप्ड समथिंग स्वीट ऑन द ग्राउंड एंड विद इन मिनट्स मैनी आंट्स कलेक्टेड अराउंड इट। ये तो आप सभी लोगों ने देखा ही होगा कि हम देखते हैं कि कभी ग्राउंड पर हमसे गलती से या कुछ मीठा या कुछ स्वीट गिर जाता है तो बहुत सारी आंट्स यानी चींटियाँ कुछ ही मिनट के अंदर वहाँ पर इकट्ठी हो जाती हैं। वो इकट्ठी क्यों हो जाती हैं और वहाँ आकर वो क्या करती हैं, तो ये सारे एग्जांपल्स किससे रिलेटेड है, हमारे सेंस ऑर्गन से। फर्स्ट एग्जांपल जो ईगल का था कि ईगल या कोई बर्ड आपसे रोटी छीन कर ले जा रहा है, वो क्यों ले जा रहा है, क्योंकि ईगल के पास जो सुपर सेंसेस है उसमें से एक क्या है, उसकी देखने की शक्ति। उनकी आँखें इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं कि वो बहुत बहुत दूर से भी क्लियरली देख सकते हैं। हमने देखा है कि जो ईगल होता है, ईगल यानी बाज जो एक बर्ड है, वो काफ़ी ऊँचा स्काई में बहुत ऊँचाई पर उड़ता है और लेकिन उसका विजन पावर इतना स्ट्रांग होता है, साइट उसकी इतनी स्ट्रांग होती है कि वो बहुत दूर से भी अपने फूड या प्रे को देख सकता है। प्रे का मीन क्या होता है, प्रे का मीनिंग क्या होता है, प्रे मतलब शिकार, वो अपने शिकार को ढूंढ सकता है। और सेकेंड वन एग्जांपल दिया है डॉग, तो डॉग जब हम बहुत ही कम साउंड करके, हम बहुत ही धीमी आवाज़ करके एक डॉग के पास से निकल रहे हैं लेकिन फिर भी उसको साउंड सुनाई दे जाता है, क्योंकि उसके पास स्पेशल पावर कौन सी है, उसकी स्पेशल पावर है सुनने की, वो तेज़ी से सुन सकता है। लास्ट वन एग्जांपल दिया आपको आंट का कि हमने कुछ मीठा यहाँ पर गिराया या गलती से गिर गया, ये तो हम डेली लाइफ में देखते ही रहते हैं, वहाँ पर बहुत सारी चींटियाँ यानी आंट्स आकर कलेक्ट हो जाती हैं और उस फूड को अपने होल की तरफ ले जाती हैं। तो ऐसा वो क्यों करती हैं, क्योंकि उनकी स्मेलिंग पावर बहुत स्ट्रांग होती है, उनके पास भी सुपर सेंसेस हैं लेकिन सुपर सेंसेस में से उनका एक पावर कौन सा स्ट्रांग है, स्मेल करने का। वो इतनी जल्दी स्मेल करके ये पता लगा लेती हैं कि उनका फूड कहाँ पर रखा हुआ है, और क्योंकि वो मीठा खाती हैं तो जैसे ही हम कुछ मीठा गिराते हैं या गलती से ज़मीन पर पड़ा हुआ होता है तो वहाँ पर बहुत सारी आंट्स आकर कलेक्ट हो जाती हैं और फिर हमें मम्मी से डांट भी पड़ जाती है कि आपने ये जो खा रहे थे वो ठीक से नहीं खाया और फैला दिया ज़मीन पर। तो हमने देखा होगा कि जो आंट्स इकट्ठी होती हैं वो क्या करती हैं, पहले एक आंट आती है फिर बाकी की आंट्स आती हैं, चींटियाँ आती हैं और उस फूड को लेकर अपने होल में चली जाती हैं। तो ये सारे जो एग्जांपल्स हैं ये सब आपके साथ कभी ना कभी तो हुए ही होंगे। नेक्स्ट वन एग्जांपल दिया है क्या, नेक्स्ट हम रीड करते हैं, व्हाई डज इट हैपन थिंक एंड टेल, ऐसा क्यों होता है वो आपको बताना है। तो क्योंकि अब आप समझ चुके हैं कि ऐसा क्यों होता है, ये सब होता है उनकी स्पेशल पावर के कारण जो कि है क्या, सुपर सेंसेस। सुपर सेंसेस भी उनमें भी होती हैं, ह्यूमन बींग्स के साथ साथ एनिमल्स में भी होती हैं। आगे हम रीड करते हैं, एनिमल्स ऑल्सो हैव डिफरेंट सेंसेस, दे कैन सी हेयर टेस्ट स्मेल एंड फील। एनिमल्स के पास भी अलग अलग सेंसेस होती हैं जो कि हम पढ़ चुके हैं, फाइव टाइप्स की होंगी और जिसके कारण वो क्या क्या कर सकती हैं, सी यानि देख सकती हैं, हेयर यानि सुन सकती हैं, टेस्ट यानि कि कुछ किसी चीज़ को चख सकती हैं, स्मेल यानि कि सूंघ सकती हैं और फील मतलब महसूस कर सकते हैं। सम एनिमल्स कैन सी देयर प्रे फ्रॉम फार अवे, हमने देखा है कि कुछ एनिमल्स कैसे होते हैं, वो फार अवे, फार अवे का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा दूरी से, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस से अपने प्रे मीन्स शिकार को देख सकते हैं। प्रे दो तरह की स्पेलिंग हम लिखते हैं, एक लिखते हैं हम PRAY प्रे, जिसका मतलब होता है प्रार्थना करना, भगवान से प्रेयर करना, और दूसरा होता है PREY प्रे, इस प्रे का मीनिंग क्या होता है, शिकार। तो जो एनिमल्स के शिकार होते हैं जिनकी साइट बहुत स्ट्रांग होती है, साइट का मीनिंग क्या होता है, देखने की शक्ति या विजन पावर, वो बहुत दूरी से अपने प्रे को, शिकार को देखकर उसको पकड़ लेते हैं या उसे खा सकते हैं। और दूसरी एबिलिटी क्या, सम कैन हियर इवन द फेंटेस्ट साउंड, और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं वो फेंटेस्ट साउंड को भी सुन सकते हैं। फेंटेस्ट का मतलब होता है जिसका साउंड बहुत ज़्यादा लाउड ना हो, जो बहुत धीमी आवाज़ का हो, बहुत कम साउंड भी जिन एनिमल्स को सुनाई दे जाता है उनकी सुपर सेंसेस में मेन क्या होगा, उनकी हियरिंग एबिलिटी। सम एनिमल्स कैन फाइंड देयर फ्रेंड्स बाय देयर स्मेल, और कुछ एनिमल्स अपने फ्रेंड्स को, अपने ग्रुप के फ्रेंड्स यानी उनके दोस्तों को जो उनके ही जैसे दिखते हैं, वो स्मेल कर उनको पता कर लेते हैं या उन्हें ढूंढ लेते हैं।
द एनिमल वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ अमेजिंग सेंसेस. जो एनिमल्स की दुनिया है, उनका जो वर्ल्ड है, उसमें आपको इस चैप्टर के अंदर बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही रोचक तथ्यों के साथ, अमेजिंग फैक्ट्स के साथ उनकी सेंसेस के बारे में पढ़ने को मिलेगा, जो कहीं ना कहीं हम डेली लाइफ में देखते हैं और आप उससे रिलेट ज़रूर करेंगे. सो नेक्स्ट पेज पर हम आते हैं. हाउ डिड द आंट रिकॉग्नाइज अ फ्रेंड. एक आंट अपने फ्रेंड को कैसे रिकॉग्नाइज करती है. रिकॉग्नाइज का मीनिंग क्या होता है, आइडेंटिफाई करना. आइडेंटिफाई मतलब क्या, पहचानना. एक आंट अपने फ्रेंड को कैसे पहचानेगी. अब फ्रेंड का मतलब यहाँ पर क्या है कि उसके ही जैसे दिखने वाली दूसरी आंट. अगर हमसे कहा जाए, बच्चों से या बड़ों से या ह्यूमन बींग से कहा जाए कि आप ये ग्रुप ऑफ आंट्स में से पहचान कर बताइए कि इनमें से जो आपने पहले देखा था वो आंट कौन सा है, बाद में देखा वो आंट कौन सा है, या उनमें कुछ डिफरेंसेस बताइए, तो हम एबल नहीं है ये बताने के लिए. हम नहीं बता सकते किसी भी एनिमल्स में डिफरेंसेस. जो सेम दिखते हैं हम उन्हें पहचान नहीं सकते, लेकिन क्योंकि हम अपने फैमिली मेम्बर्स को पहचान लेते हैं, हम अपने सिस्टर को, ब्रदर्स को और अपने पेरेंट्स को पहचान लेते हैं, इस तरह से ही जो आंट या दूसरे ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो भी अपने ग्रुप में, ग्रुप के मेम्बर्स को या फ्रेंड्स को ईजिली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. दे आर एबल टू रिकॉग्नाइज देयर फ्रेंड ईजिली एंड क्विकली. रिकॉग्नाइज का मीनिंग क्या होता है, आइडेंटिफाई करना. एन आंट वॉज गोइंग अलॉन्ग ऑन द ग्राउंड इट सॉ अ ग्रुप ऑफ आंट्स कमिंग फ्रॉम द अदर साइड. The first ant quickly came back to its hole. The ant guarding the hole recognized it and let it in. इसका मीनिंग क्या हुआ, लेट्स ड्रॉ. मैं ड्रॉ कर आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि एक आंट दूसरे फ्रेंड को कैसे पहचान रहा है. उसका एक एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है कि मान लीजिए एक आंट है, जैसे मान लो कि ये उसका होल है जहाँ पर वो रहती है, और यहाँ से एक आंट बाहर निकलता है और ये आंट रोड पर जा रहा है कुछ इस डायरेक्शन में, और वो वहाँ पर देखता है कि यहाँ पर सडनली ग्रुप ऑफ आंट्स यानी बहुत सारी चींटियाँ ग्रुप के फॉर्म में, झुंड के फॉर्म में वहाँ से आ रही हैं दूसरी ओर से. तो जो पहली आंट थी जो यहाँ से जा रही थी वो उन्हें देखकर वापस, देखिए लिखा हुआ द फर्स्ट आंट क्विकली केम बैक टू इट्स होल. वो यहाँ से जाते जाते वापस उनको देखकर अपने होल में एंटर करने के लिए वापस आ गई है. तो ऐसा वो क्यों कर रही है, और फिर बाद में क्यों, क्या होता है, द आंट गार्डिंग द होल रिकॉग्नाइज्ड इट एंड लेट इट इन. जो आंट यहाँ पर गार्ड कर रही है, जो यहाँ पर जैसे सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, जो हमारे घर की या किसी इंस्टीट्यूट के बाहर आपने देखे होंगे जो गार्ड्स होते हैं रक्षा करने के लिए, जो हायर किए गए होते हैं, इस तरह से आंट्स में भी कई टाइप्स होते हैं. आपने पढ़ा होगा वर्कर आंट होती है, क्वीन आंट होती है, गार्ड आंट भी होती है. तो इस तरह से जो आंट यहाँ पर जा रही थी वो ग्रुप ऑफ आंट्स को देख कर लौट गई और अपने घर में, मतलब अपने होल में वापस आ गई, और जो गार्डिंग आंट थी उसने उसको रिकॉग्नाइज किया, पहचाना और उसे अंदर आने की परमिशन दे दी. ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि वो जो आंट बाहर निकली थी वो जिस फैमिली से बिलोंग करती थी, और उसने सामने देखा कि दूसरे फैमिली मेंबर्स के या दूसरी ग्रुप के आंट्स आ रही हैं, और उनको देखकर वो वापस अपने होल में चली गई. और जो आंट यहाँ पर खड़ी हुई, यहाँ पर उस होल की रक्षा कर रही थी, उसने उस आंट को अंदर क्यों आने दिया, क्योंकि वो उसे पहचानती है कि वो उसी के घर का मेंबर है, तो वो उसको अंदर आने देगी. या दूसरे ग्रुप के मेंबर की आंट आती तो वो उसे अंदर शायद नहीं आने देती. जिस तरह से हम अपने फैमिली मेम्बर्स को घर आने देते हैं, अंदर आने देते हैं, और हम उन्हें रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, इस तरह से आंट्स के साथ भी ऐसा ही होता है. तो गार्ड आंट ने पहली वाली आंट को अंदर क्यों आने दिया, क्योंकि वो उनकी ही फैमिली का हिस्सा है, उनकी फैमिली की ही वो मेम्बर है. और ऐसा क्यों होता है, जैसे कि आपको दिया है आगे, थिंक एंड टेल, आपको बताना है, सोच समझ कर आपको बताना है. क्या इसे रीड करने के बाद आप क्या समझते हैं. हाउ डिड द आंट नो दैट द अदर आंट्स वर नॉट फ्रॉम इट्स ग्रुप. कि उस आंट को कैसे पता चला कि जो बाकी की आंट्स थी वो उसके ग्रुप की नहीं है, या वो अंदर चली गई. गार्ड आंट ने उसको कैसे पहचान लिया, क्योंकि उनके पास स्मेल करने की एक स्ट्रॉन्ग एबिलिटी होती है, उनके पास सुपर स्ट्रॉन्ग सेंसेस हैं, और जिनमें से मेन क्या है, स्मेल करने की शक्ति जो उनके पास है, वो जिसके कारण जो गार्ड आंट थी वो अपनी आंट को पहचान सकी, और उसे पता लग गया कि वो आंट उन्हीं की ग्रुप की है और बाकी की आंट्स उनकी ग्रुप की नहीं है. नेक्स्ट वन यहाँ पे दिया हुआ है, हाउ डिड द गार्ड आंट रिकॉग्नाइज दिस आंट. गार्ड आंट ने अपनी आंट को, दूसरी आंट को कैसे रिकॉग्नाइज किया, कैसे पहचाना. तो आप बता सकते हैं कैसे पहचाना, स्मेल करके, सूंघ कर.
आगे हम इधर टॉपिक में पढ़ेंगे कि वो कैसे पहचानती हैं, स्मेल करके पहचानती हैं। हमने देखा है कि जो आंट्स होती हैं वो हमेशा एक लाइन में मूव करती हैं, सीधी लाइन में हमेशा चलती हैं, क्योंकि वो अपने पीछे एक स्मेल छोड़कर जाती हैं जिसको जिस गंध को सूंघते हुए दूसरी आंट उनके पीछे चली जाती है, और वो अपने ग्रुप के मेंबर्स की स्मेल को पहचानती हैं जिसके कारण वो एक के पीछे एक लाइन में ट्रैवल करती हैं, लाइन में चलती हैं। आगे दिया हुआ है ट्राई दिस एंड राइट, आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करना है और यहाँ पर उनके आंसर्स को लिखना है। जैसे कि एग्जांपल क्या है, ड्रॉप सम शुगर जैगरी और एनीथिंग स्वीट ऑन द ग्राउंड, वेट अंटिल द आंट्स कम देयर। आपको ज़मीन पर ग्राउंड पर थोड़ा सा शुगर, शक्कर, जैगरी का मीनिंग होता है गुड़, या कोई भी मीठी चीज़ ग्राउंड पर डालनी है, या फिर गलती से गिर जाती है वो भी हमने देखा है, तो हम देखते हैं, हम वेट करेंगे थोड़ी देर और देखते हैं कि आंट्स वहाँ पर आ रही हैं या नहीं आ रही, चींटियाँ वहाँ पर आती हैं या नहीं आती हैं। तो क्वेश्चंस आपको दिए हैं क्या, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द आंट्स टू कम, कितना समय लगेगा आंट्स को वहाँ पर इकट्ठा होने में। तो हमें ये एक्टिविटी करके देखनी पड़ेगी, आप ज़रूर घर पर ट्राई कीजिएगा, पर मम्मा से डांट ना पड़े वो भी कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आपकी मम्मा या पेरेंट्स आपको डांटेंगे कि ये आपकी टीचर आपको क्या बता रही है। तो आप ये एक्टिविटी घर पे करके देख सकते हैं मम्मा से बोलकर, और नहीं तो फिर आपने देखा ही होगा डेली लाइफ में। तो हम आगे बढ़ते हैं, कितना टाइम लगेगा, यूजुअली इट टेक्स 15 to 20 minutes, अराउंड 15 to 20 minutes आंट्स को लगेंगे वहाँ पर आने में। हो सकता है कम टाइम लगे या ज़्यादा लगे, अप्रॉक्सीमेटली 15 to 20 minutes के अंदर वहाँ पर चींटियाँ इकट्ठी हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, डिड वन आंट कम फर्स्ट और ग्रुप ऑफ आंट्स केम टुगेदर, क्या पहले एक आंट आएगी या फिर सभी आंट्स ग्रुप के फॉर्म में इकट्ठी वहाँ पर आ जाएंगी उस मिठाई को खाने के लिए, उस मीठी चीज़ को खाने के लिए, या उस यमी फूड को खाने के लिए। तो हम देखते हैं क्या, वन आंट केम फर्स्ट देन ए ग्रुप ऑफ आंट्स केम, कि पहले एक आंट आएगी, एक चींटी आएगी, फिर उसके पीछे पीछे उनको फॉलो कौन करेगा, बाकी के उनके ग्रुप के मेंबर्स, बाकी की आंट्स उसे फॉलो करते हुए वहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे। थर्ड वन आपको दिया है, व्हाट डिड द आंट्स डू विद द फूड, आंट्स चींटियाँ उस फूड के साथ क्या करेंगी। आपको पता है कि आंट्स उस फूड के साथ क्या करेंगी, खेलेंगी तो है नहीं, काम क्या है उस फूड का, वो उस फूड से अपना पेट भरेंगी, पेट कैसे भरेंगी, बाकी के मेंबर्स के लिए ले जाने के लिए वो पहले अपने होल में उस फूड को लेकर जाएंगी और वहाँ पर उसे ईट करेंगी या खाएंगी। द आंट्स कैरी द फूड टू देयर होल, आंट क्या करेंगी उस फूड को कैरी करके अपने होल तक ले जाएंगी। होल का मतलब क्या होता है, उसके होम को, उनके घर को क्या कहा जाता है, होल। हमने देखा है कि आंट्स कहाँ रहती हैं, कहीं भी होल बनाकर रह सकती हैं क्योंकि उनका साइज़ बहुत छोटा होता है। किसी भी होल से हम अपने घर में भी देखते हैं कि चींटियाँ बाहर आती हैं और कुछ भी फूड गिरा हो तो वो उसको इकट्ठा, या तो एक अकेली चींटी के लिए ले जाना बहुत मुश्किल होता है, फिर भी वो कोशिश करती है, ट्राई करती है, और ग्रुप ऑफ आंट्स इकट्ठे होकर उस पूरे फूड को उठाकर अपने होल तक लेकर को जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, वेयर डू दे गो फ्रॉम देयर, वो वहाँ से कहाँ जाएंगी, कहाँ से अपने जहाँ पर फूड पड़ा हुआ है वहाँ से वो किस दिशा की ओर या किस डायरेक्शन में, किस रास्ते पर वो वहाँ से जाएंगी। दे वेंट टू देयर आंट होल, वो कहाँ पर जाएंगी, वो अपने आंट होल में जाएंगी। आंट होल क्या होता है, जहाँ पर चींटियाँ रहती हैं, या अपने होम की तरफ जाएंगी। डू दे मूव इन अ लाइन, क्या चींटियाँ लाइन में मूव करती हैं, एक सीधी लाइन में मूव करती हैं। यस दे ऑलवेज मूव इन अ लाइन, हमें पता है कि चींटियाँ हमेशा एक लाइन में, एक सीधी लाइन में मूव करती हैं। जैसे कि हम सभी बच्चे देखते हैं कि असेंबली के टाइम आप हम लाइन में कैसे खड़े होते हैं, इस तरह से चींटियों में पहले से ही ये मैनर्स होते हैं कि वो हमेशा से लाइन में ही मूव करती हैं। आपने नोटिस किया होगा एक के पीछे एक चींटी हमेशा मूव करती, वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, येस दे ऑलवेज मूव इन अ लाइन। नाउ वी मूव टू अवर नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 3। पेज नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, Now carefully without harming the ants, block their path for a while with a pencil. Now observe how do the ants move. क्या करना है आपको observe, हम देखते हैं कि ants हमेशा straight line में चलती हैं। मान लो ये ants यहाँ से जा रही हैं
और हमें इनके रास्ते को, इनके पथ को ब्लॉक करना है विद द हेल्प ऑफ अ पेन और अ पेंसिल। किसी पेन या पेंसिल से हमने इनके रास्ते को यहाँ से रोक दिया है, लेकिन ध्यान रखना है कि आर्म्स को कोई नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। फिर हम क्या देखते हैं, हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि आंट्स कैसे जाएंगी। अब हमने तो उनका रास्ता ब्लॉक कर दिया है, तो हम देखेंगे यदि किसी डायरेक्शन आसपास यदि उनके पास स्पेस है, या तो वो साइड से किसी दूसरे डायरेक्शन से जा सकते हैं, या तो फिर वो कैसे मूव करेंगे अपने पेंसिल के ऊपर से, पेंसिल के ऊपर से मूव करते हुए वो आगे की ओर जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द एंड ऑफ आवर वीडियो। Rest of the part we will continue in our next class or next video. I hope you all understand. आप सभी को समझ में आया होगा। और यदि आपको कोई doubts है, if you have any queries or doubts, you can ask me in WhatsApp group. I will try to answer all your questions or doubts. So we will meet soon in our next video. तब तक के लिए stay home, stay safe. Thank you to join the class.